बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको 12 वोल्ट पे सप्लाई को कन्वर्ट करने का तरीका बताएंगे। ये आप देख रहे हैं, इसके साथ बेताशा वायर्स लगी हुई हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ये बता देते हैं कि 12 वोल्ट के लिए आपके पास ये वाली वायर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें येलो वाली जो है वो प्लस वाली वायर है, और ब्लैक वाली जो है ना वो माइनस वाली। इसको आपने सबसे पहले 12 वोल्ट के लिए यूज़ करना है। बाकी आप कोई भी येलो तार और कोई भी ब्लैक तार लेंगे तो वो 12 वोल्ट का ही काम करेगी। तो चले अब हम इसको आपको बनाने का तरीका बताते हैं कि किस तरह से हम इसको 12 वोल्ट। अरे दोस्तों, पहले इसको चेक करते हैं कि आया ये सप्लाई भी ठीक काम कर रही है कि नहीं है। उसका बड़ा ही आसान तरीका है, ये आप ग्रीन वाली तार, इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये ग्रीन वाली तार, ये पूरी सप्लाई के अंदर एक ही वायर है जो ग्रीन है, ठीक है। इसको और किसी भी ब्लैक तार को आप लेंगे, आप उसमें जोड़ना है। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक तार लेके इसको यूँ जोड़ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी सप्लाई भी ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद आके आगे वर्किंग करेंगे ताकि हमारी मेहनत जो है ना ज़ाया ना जाए। ये ज़रा पावर केबल लगा, अब आप इसका देखते हैं, अगर फ़ैन चलता होगा तो सप्लाई ठीक काम कर रही है। ये अभी पावर केबल, ये फैन चल गया, ठीक हो गया। अब ये हमें पता चल गया कि हमारी पावर सप्लाई जो है ना, उसकी पावर बिल्कुल ठीक, हटा देते हैं यहाँ से। अब ये देखें, फ़ैन जो है ना खुद बहुत बंद हो, ये बंद हो। इसके बाद सप्लाई हमारी ठीक है। अब हम इसको 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, केबल उतार लेते हैं। अब इसमें से हम इस ग्रीन तार को और ब्लैक तार को काट लेते हैं, और इसको आप इस तरह से काट लें। अब यहाँ पे इन दोनों को छील लेते हैं, और इनको आपस में हमने मिला देना है, जोड़ देना है आपस में, ताकि ये सप्लाई का सर्किट जो है ना वो कंप्लीट हो जाए, और आगे हम इसको 12 वोल्ट बनाने में हमारे लिए आसानी हो। इसको हाथ से भी छील सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर इस तरह का आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप छीलना चाहें तो उससे भी छील सकते हैं। तो ये आपने इससे इसको छील लिया। अब इन दोनों तारों को बहुत ही आसानी से आप यूँ मिला देंगे आपस में। अब आप देखें तो पंखा चलने लग गया था। अब उधर से वायर लगाएं, इधर इसकी पावर केबल लगाएं। अब ये देखें, फ़ैन चलने लग गया। हमने क्या किया, सिर्फ हमने इन दो तारों को आपस में मिला दिया। ये पूरी सप्लाई में ना एक ग्रीन तार होती है, इसमें और कोई ग्रीन तार नहीं है। ग्रीन को आप किसी ब्लैक के साथ भी मिलाएंगे तो आपकी सप्लाई का सर्किट 12 वोल्ट के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब 12 वोल्ट के लिए आपको बहुत ही आसान, पहले भी बताया है, तो इसके अंदर एक इस तरह की वायर होती है जिसके ऊपर ये कोड होता है P2। P2 ना भी लिखा हो तो आप ये जेन में रखिएगा कि आपने लेना है येलो तार को और ब्लैक तार को। बेहतर है कि दो येलो लें और दो ब्लैक लें ताकि आपको करंट पूरा मिले। अब हम ये हमारे पास इस सप्लाई के अंदर ये वाली तार है, ठीक है। इसमें देखिए ये दो ही ब्लैक हैं और दो ही येलो हैं। तो अब इसको हम पहले इसको खोल लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये हम इसको ऊपर से काट लेते हैं, ये इसको अलहदा कर लिया, ये भी इसको भी हटा लें। अब इसका बेहतरीन हल ये, या तो आप इसके आगे इस तरह कई सप्लाई का भी है, P2 वाली हमने तार ले ली है, और वो आपको बताया भले येलो और ब्लैक भी लेके आप इसको कर सकते हैं। तो अब इसको आपने, अगर इस तरह का आपको आगे से प्लग मिल जाता है तो इसके ऊपर या प्लग चढ़ा के दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर लें। भले एयर कूलर चलाते हैं, भले 12 वोल्ट की आप कोई फ़ैन चलाना चाहते हैं, 12 वोल्ट की कोई चीज़ भी आप इस पर चला सकते हैं। अब हम इसको भी यहाँ से हमारे पास मिलेगा उससे काट लेते हैं। ये हमने पकड़ा और ये हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास दो ब्लैक आ गई और दो येलो आ गई। ये बार बार आपको बता रहा हूँ कि येलो और ब्लैक ही हमने वायर लेनी है, भले उस पर कुछ लिखा हो या ना लिखा। अब हम इसको छील लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने दो ब्लैक छीली, ये जगह पर रखा गया था। तो अब हम दोनों येलो को भी छीन लेते हैं, इसको ये। अब
ये हमारी 12 वोल्ट की समझे सप्लाई तैयार होगी 12 वोल्ट के लिए। इन दोनों येलो को भी आपस में मिला दें यूँ, ठीक है, प्लास से मिला दें, हाथ से मिला दें, जो भी आपकी लसानी लगे, ठीक है जी। और इन दोनों वायर को ब्लैक को भी आपस में मिला दें। अब ये आपकी तैयार होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब जो भी आपने चीज़ लगानी है, ये इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव लगाएंगे, वरना 12 वोल्ट में अक्सर ऐसा होता है वो चीज़ें अगर आप उल्टी तारे लगा देंगे तो उल्टी चल जाएंगे। एग्जांपल आप फ़ैन की उल्टी तारे लगाएंगे तो फ़ैन उल्टा चलेगा, आपको हवा नहीं देगा और बैक साइड पर हवा फेंकेंगे। अभी हम इसके साथ आपको कोई चीज़ अटैच करके दिखाते हैं कि 12 वोल्ट की चीज़ पे कैसे चलती है। आपने ये 12 वोल्ट का पंप ले लिया है, अब इसके साथ हम इसको लगा के चेक करते हैं कि 12 वोल्ट पे ये चल सकता है कि नहीं। इसको भी 12 वोल्ट डीसी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 12 वोल्ट डीसी चलाते हैं और ये अच्छी खासी मतलब पावर वाली चीज़ है। इस पर आप एयर कूलर कोई भी हर तरह की चीज़ के ऊपर, ये इसमें प्लस तार है और ये माइनस है। अब हम प्लस के साथ कलर के साथ कलर लगा देंगे तो ये हमारी प्लस वाली तार प्लस के साथ ज्वाइंट होगी। ये हम वक्ती तौर पे ज्वाइंट कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से इसको ज्वाइंट कर लीजिएगा। और ये नेगेटिव के साथ हमने नेगेटिव को ज्वाइंट कर दिया। अब हम इसको पावर दे के चेक कर लेते हैं। ये ज़रा मैं ज्वाइंट को थोड़ा सा बेहतर कर दूँ कि हिल ना जाए, ठीक है जी। अब ज़रा पावर केबल लगाएँ, अब ये देखें ये चल गया। अब आपका फ़ैन भी चल गया और ये आपको मोटर भी चलती नज़र आएगी। उसके बटन को ज़रा ऑफ करके दिखते हैं। अब ये इसको हम बंद करते हैं, देखो ये रुक गया, दोनों ये भी फ़ैन भी रुक जाएगा, एक मिनट ज़रा ये रुक गया। अब दोबारा ऑन करें, ये 12 वोल्ट आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि ये पंप अप चल रहा है। तो ये इस पे आप कोई भी 12 वोल्ट की चीज़ बड़ी आसानी के साथ सप्लाई को ना इससे उतार लेते हैं। अब इसके तीन तरीके हैं कि आप इन वायर का क्या, एक तो ये आप एज इट इज़ ही वायर रहने देते हैं तो तब भी कोई मज़ायका नहीं है, और सेकंड ये है कि आप इसको बिल्कुल नियर से काट के अंदर से मतलब पेच खोल लें इसके और नियर से काट के इसको आप ऊपर टेप कर दें, ठीक है, सेकंड ये है। और तीसरा ये है कि आप इन सप्लाई को खोल के इनके ये जो नट लगे हुए हैं तो ये वायर्स को अंदर डाल दें, मतलब खोल के इसके अंदर वायर को सारी इकट्ठी करके रख दें तो फिर भी आपका मसला हल हो जाए। सिर्फ आपको जो वायर्स रिक्वायर्ड हैं 12 वोल्ट वाली, ये येलो और ब्लैक, इनको सिर्फ बाहर रहने दें, ठीक है, ताकि फिर आपको ज़्यादा झंझट नहीं हो। हमने जैसे अभी बता रहे हैं कि यार हमने इसकी वायर जो है ना किस तरह ख़त्म करके इसको नीट एंड क्लियर बनाना है, वो ये हमने एक बिल्कुल इस तरह करके रखी हुई है, ये अब आपको दिखा। इसके वायर सिर्फ 12 वोल्ट की दो आपको वायर नज़र आ रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसमें हमने वायर्स को क्या किया, हमने काटा नहीं है, इसके अंदर इसको ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये रेड और ब्लैक और ये सारी हमने वायर्स के अंदर रख दी हैं खोल के सप्लाई के, ताकि कल को हम किसी और मकसद के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये वायर सारी हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर बिल्कुल एंड पे जाके अंदर से इनको काट भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ग्रीन तार और ब्लैक को आपने बिल्कुल एंड से नहीं काटना, उसको आपने ज्वाइंट ही करना है। भले आप कावी के ज़रिए इसको सोल्ड कर लें या आप उसको वैसे ही आपस में मिला के रख दें, उसको टेप कर दें, लेकिन उसको आपने बिल्कुल अलहदा नहीं रखना, उनको आपको जोड़ना ही पड़ना है, ये बहुत ज़रूरी हो रहा है पैगाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और हम इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी वीडियो बनाएंगे।